number 3 because question 1 and 2 is metric which we have done already in multiplication before, so it's very easy, you'll be able to do it by your own. So we'll start from question number 3, and question 3 is multiply and reduce to lowest form and convert into expression. आपको इसे मल्टीप्लाई करना है और अगर आंसर आपका इंप्रॉपर फॉर्म में आता है तो उसे मिक्स फॉर्म में कन्वर्ट करना है. इफ देयर इज नथिंग देयर इज 1. चलिए 5 2 10 9 9, सो 9 1 9 प्लस 1 इज आवर आंसर. नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज वी नीड टू शेप दिस फॉर्म ऑफ द ट्रायंगल. So 2/3 of means multiply. कितने triangles दिए हैं यहाँ पर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9. So 2/3 of 9. So if there is nothing in the denominator, there is 1. Now 3 and 9 comes in 3 का table. 3 1 3 3 3 2 6. तो हमें कितने triangles shape करने हैं? 6. 1 2 3 4 5 and 6. And it's done. Next question. Question number 5. 4/5 of 20. We need to find value of 4/5 of 20. Ma'am, 4 ke table mein 20 aata hai. Cut kar de. No, we cannot do that. Cancellation hamesha upar niche ya cross mein hoga. Samne samne hoga? Nahi. Kyun nahi hoga? Chaliye. इसको रिलेट करते हैं हम क्रिकेट से. ठीक है, सभी को पसंद है, अभी तो आईपीएल भी नहीं आ रहा है. क्रिकेट में हम हमेशा देखते हैं दो बैट्समैन खड़े होते हैं, एक बैटिंग में और दूसरा अपोजिट साइड पे. आपने कभी ये देखा जो बैटिंग कर रहा है उन्होंने यूं बैट की, बॉल ली और फिर सामने वाला आउट? नो, ऐसा नहीं होता है. आप अपने टीम मेंबर को आउट करते हैं? नहीं. तो सामने सामने वाले वो सेम टीम को बिलोंग करते हैं, ऊपर नीचे वाले अपोजिट होते हैं. तो कैंसिलेशन ऊपर नीचे या क्रॉस में होगा? सामने सामने होगा? नहीं. लुक एट दिस थिंग इन 9. 5 1 5 4 4 4 16, व्हिच इज द राइट आंसर. वेरी सिंपल. क्वेश्चन नंबर 7, अगेन वी नीड टू फाइंड, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 6, वी नीड टू मल्टीप्लाई एन आंसर, वी हैव टू गिव द आंसर इन मिक्स फॉर्म. सो बिफोर नाउ सॉल्विंग इट, वी नीड टू कन्वर्ट दिस मिक्स इनटू इंप्रॉपर फॉर्म. 4 2 6 6 + 1 7. ओ यस, 7 7 कट होगा? नो, नहीं होगा. 7 7 49 49 अपॉन 4. नाउ 4 1 4 4 2 8 + 1, सो 12 1/4 इज अब आंसर. लेट्स सॉल्व वन मोर एग्जांपल. 4 3 12 + 1 30. 13 upon 4 into 6. If there is nothing in the denominator, there is 1. 6 or 4, दोनों 2 के टेबल में आते हैं. 2 2 4, 2 3 6, 13 3 39 upon 2. 2 1 2, 19. 2 9 18, 1. 19 1/4 is our answer. Question number 7. Half of 4 2/9 of stands for multiply. 9 4 36 + 2 38. 2 के टेबल में 38 आता है? आता है. कब आता है? 19 9 के टेबल में आता है? नहीं आता है. 9 2 18 + 1. Here is the answer. Very easy. Let's move to the last question of the exercise. Question number 8. I need to rub this. Question number 8. Vidya and Pratap went for a picnic. Oh wow. I wish hum bhi ja sakte. Their mother gave them a water bottle. Garmi hai, paani ki zarurat to padti hai. तो मम्मा ने एक बॉटल दी, उसमें 5 लीटर पानी था. 5 लीटर. विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ द वाटर. विद्या ने कितना कंज्यूम किया? सॉरी, इस विद्या मध्य विद्या कंज्यूम 2/5 ऑफ 5 लीटर. सो कितना कंज्यूम किया? 5 लीटर है. 5 5 का 2 लीटर वाटर किसने कंज्यूम किया? विद्या ने. और बाकी का
अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन प्रताप कंज्यूम द रिमेनिंग वाटर काकी का पानी उसके भाई ने पिया प्रताप कंज्यूम रिमेनिंग तो 5 लीटर माइनस 2 लीटर गिव्स यू 3 लीटर प्रताप ने कितना पानी पिया 3 लीटर अब इसमें दो क्वेश्चंस हैं दोनों क्वेश्चंस के हम कैलकुलेशन के बेसिस पे आंसर देंगे हाउ मच वाटर डिड विद्या ड्रिंक विद्या ने कितना पानी पिया 2 लीटर सेकंड क्वेश्चन व्हाट फ्रैक्शन ऑफ द टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर डिड प्रताप ड्रिंक टोटल फ्रैक्शन टोटल पानी का कितना फ्रैक्शन प्रताप ने ड्रिंक किया तो टोटल कितना था 5 प्रताप ने ड्रिंक कितना किया 3 लीटर सो व्हाट इज द फ्रैक्शन 3/5 लीटर दिस वाज अबाउट एक्सरसाइज 2.2 फर्दर विल गो फॉर द रिमेनिंग एक्सरसाइज ऑफ चैप्टर 2